शुरू करते हैं पहली क्लास शुरुआत से ही बिल्कुल। शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड क्या इसका अंग्रेजी नाम? हिंदी में बोलते हैं इसको आंसुलिपि। क्या? आंसुलिपि। जैसे बच्चा एलएलबी करता है तो वकील बनता है, बीटीसी बीएड, बैठ जाओ, बीटीसी बीएड करता है तो टीचर बनता है, वैसे ही शॉर्ट हैंड करने के बाद इस पद पर जब पहुंचते हैं, पोस्ट पर पहुंचते हैं, तो उसको बोलते हैं हिंदी में आंसुलिपिक और अंग्रेजी में बोलते हैं उसको स्टैम। ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी में और भी बोल देते हैं स्टेनोग्राफर। क्या? स्टेनोग्राफर। इसके हिंदी में और भी नामों से पुकारते हैं, जैसे शीघ्र लिपि, जल्दी से लिखने वाली लिपि, और भी नाम पुकारते हैं जैसे संकेत लिपि, संकेतों द्वारा लिख रहे हैं। ठीक है। और भी नाम देते हैं संक्षिप्त लिपि, संक्षिप्त का मतलब छोटा करना, किसी चीज को छोटा करके लिखना। ठीक। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, ये तो इसके नाम हो जाते हैं और ये इसके पोस्ट पर, इस पद पर पहुंचते हैं तब ये नाम पुकारे जाते हैं, वो वाले नाम। अब बात आती है जो बच्चे शुरुआत से कर रहे हैं तो वो प्रणाली का ज्ञान तो रखते नहीं है, जो पहले से सीख रखे हैं या फिर स्पीड पर हैं वो तो जानते हैं प्रणाली क्या है कैसे है। तो देखो, मैं प्रणाली का ही शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ आपको कि कौन सी प्रणाली से आप शॉर्ट हैंड सीखेंगे और यहाँ पर कौन सी सिखाई जाएगी, आप किस से जानते हैं वो भी बता दी जाएगी। ठीक है। तो पहले प्रणाली के बारे में जान लें, उसके बाद बात करते हैं। जैसे काफ़ी व्यक्ति थे, जैसे सुनी हुई बात को, बोली हुई बात को छोटा करके लिख देना उसको तैयार करा था। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी अपना काम चालू करता है, तो जब अपना काम चालू करता है तो क्या करता है, अपना ही नाम देना चाहता है। तो सरजू प्रसाद सिंह थे तो उनके नाम के पीछे था सिंह। ठीक। और ऋषि अग्रवाल थे, ठीक है, काफ़ी व्यक्ति थे, उन्होंने क्या करा, अपने अपने नाम देने चाहे अपने काम को। तो कैसे, क्या प्रणाली के बारे में आपको बताऊं। जैसे ये काफ़ी प्रणालियां रहती हैं, सिंह प्रणाली, ऋषि, मानक, विशिष्ट, निष्काम, आनंद, जैन, अंग्रेजी की रहती है पिटमैन, ये प्रणालियों के नाम हैं। ठीक है। अब इतनी प्रणाली है कि बच्चा सीखे कौन सी। आप मान लो यहाँ पर सीख लिया आपने प्रणाली, कहीं कोचिंग सेंटर पे आपने तैयारी कर ली, कोई सी प्रणाली आपने सीख ली। ठीक है। अब आप कहीं भी किसी, कोई बात हो गई और आप कहीं अपने शहर में जाकर पहुँच गए और वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अब वो प्रणाली है नहीं तो कैसे तैयारी करेंगे उसकी, तो उसके बारे में बताऊँ। देखो, प्रणाली का इतना कोई चक्कर नहीं होता है। जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ जो डिक्टेशन बोली जाती है, जो मैटर बोला जाता है, स्टोरी जो बोली जाती है, वो क्या करते हैं, आपको बोल दिया और आपको अनुवाद करने का टाइम दे दिया और अनुवाद टाइम करने के बाद में वो आपसे जमा करा लेंगे या फीड हो जाता है कंप्यूटर में। ठीक है। टाइपिंग जो करते हैं, लिखने के बाद जैसे शॉर्टहैंड कभी नहीं बोली जाएगी, वैसे कहते हैं शॉर्टहैंड एक लैंग्वेज है। अरे लैंग्वेज नहीं है, भाषा भी नहीं है, खाली ये लिखने योग्य है। आपने देखा यहाँ पर शीघ्र लिपि, आंसुलिपि, ठीक है, और संकेत लिपि, संक्षिप्त लिपि, लिपि लिपि आ रहा है, तो ये लिखने योग्य है, बोल चाल नहीं सकते इसको। जैसे हिंदी हम लिखते हैं बोल भी लेते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं बोल भी लेते हैं, पंजाबी लिखते हैं बोल भी लेते हैं, ऐसे ये बोलने के लायक नहीं है, लिखने योग्य है। ठीक। अब है क्या, वहां जब आप परीक्षा में पहुंचोगे तो परीक्षा में पहुंचने पर होता क्या है, परीक्षा में पहुंचने पर आप लोगों को वहां ये कोई नहीं देखता है कि कौन सी प्रणाली से आप सीखे हैं। वहां तो जो उन्होंने डिक्टेशन बोली है, उन्होंने जो मैटर बोला है वो उसको मैच करते हैं और उसी में आपकी जो गलतियां होती हैं उनके द्वारा जो छूट दी गई है उतने तक आपकी गलतियां हैं तो आप पास हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाती हैं तो आप फेल हो जाते हैं। ठीक। अब इनका, इन प्रणालियों को क्या है, जैसे मान लो, हाँ, ये प्रणाली है क्या, प्रणाली जैसे क्या है, कोई काम करते हैं ना, कोई काम करते हैं हम तो अपना नाम देना चाहते हैं, तो वैसे ही क्या थे इनके जो प्रणालियों के जिन्होंने ये बनाई हैं, उन्होंने क्या है, अपना अपना नाम दे दिया है। क्या कर दिया है, नाम। जैसे आपने हाई स्कूल परीक्षा दी है या इंटर की दी होगी, अरे सभी ने दिए नहीं दिए, तो आपने देखा होगा कि आपने परीक्षा पास करने के ना क्वेश्चन बैंक खरीदी थी, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन बैंक होते हैं, कई कई नाम होते हैं, जैसे राहुल टॉप 10 होती है, विद्या होती है, विद्या की होती है, और उसके बाद में मानक की होती है। मैं इसमें सरल कौन सी, मैं बताता हूँ
जैसे क्या है, आपने देखी होगी जब आप क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, विद्या की है, मास्टर माइंड की है, राहुल टॉप 10 की है, तो वहां क्या पूछ के आते हैं कि आपने कौन से पढ़ के आया है और आप इस प्रणाली वो इस बुक के बच्चे पेपर देंगे, उस बुक के बच्चे पेपर नहीं देंगे। वहां क्या है, आप किसी भी बुक से पढ़ के गए हैं और आपको पेपर दे देना होता है और आप पास हो जाते हैं। मान लो क्या, किसी बच्चे ने एक बुक पढ़ी, ठीक है, उसको एक बुक पढ़ने लायक ज्ञान था और वो एक बुक पढ़ने लायक ज्ञान था और उसी के हिसाब से उसके नंबर भी आए और थोड़ा ज्ञान भी कम हुआ। जो सारी बुकों को पढ़ के गया, सुन रहे हैं आप, जैसे सारी बुकों को पढ़ के गया उसका ज्ञान भी बढ़ गया और उसके नंबर भी अच्छे खासे आए। तो वैसे ही इन प्रणालियों का कोई वो नहीं है औचित्य। आप कोई सी भी प्रणाली से सीख के गए, वहां तो बस एक ही चीज है, वहां डिक्टेशन बोली जा रही है, डिक्टेशन में आपकी कोई सी भी प्रणाली है, उससे आपने लिख दिया और लिखने के बाद में अनुवाद जो हुआ है वो मैन है। अनुवाद जो आपने कर दिया वो मैन होता है प्रणाली का, कहीं कोई औचित्य नहीं होता है, ना ही कोई आयोग, ना ही कोई विभाग ये नहीं कहता कि आप कौन सी प्रणाली से सीख के आए। अधिकतर मैं बता भी देता हूं, जैसे ITI है, ज्यादातर ITI सिंह प्रणाली से कराती है, ठीक है, और ये काफी प्रणालियां काफी शहरों में, काफी राज्यों में अलग अलग प्रकार की प्रणालियां चलाते हैं। तो मैं आपको सीधा रूल बताता हूँ कि प्रणालियों को बस इतना ही है, काफी अपना अपना जो सोच समझ आती गई, अपने ही जैसे होता ना बुक एक प्रकार से बुक को ही प्रणाली मान सकते हैं हम, क्या बुक को ही प्रणाली। अब प्रणाली क्या है, अब मान लो आपने कोई दुकान खोली, अपना नाम दोगे नहीं दोगे? ऋषि अग्रवाल ने क्या कर दिया कि उन्होंने अपना नाम दे दिया, ऋषि प्रणाली नाम रख दिया। सरजू प्रसाद सिंह थे, उन्होंने अपना सिंह नाम दे दिया टाइटल और सिंह प्रणाली रख दी। ऐसे ही इन्हीं सभी ने अपने अपने नाम की बुकें बना दी और उनको बोलने लगे प्रणालियां, ठीक है। अब आप इनमें से कोई सी भी सीख लें अपने शहर में और आपको ये दिक्कत नहीं है, आपने स्पीड बनाई और स्पीड बनाने के बाद में जो आप ट्रांसलेट करके देते हैं वो मैन होता है। अब मैं आपको बता दूं आप इनमें से सीखेंगे कौन सी, आप अपने शहर में जो भी सीख रहे हैं वो सीखते रहें, जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो है, बाकी आपको कौन सी सिखाई जाएगी सभी क्लास में ध्यान देंगे। मैं इनका सभी का मिक्स 1-1.5 महीने में सारे नियम समाप्त करके बच्चा स्पीड पर आ जाता है। तो आपको मैं बता दूं, ये तो इसके नाम हो गए। आपको अगर अपनी प्रणाली से पढ़ना है तो उनकी क्लास, उनकी वीडियो की भी क्लास मैं अलग से लगा दूंगा, बाकी मैं अभी जो शुरू से पढ़ रहे हैं बच्चे उनको मैं सबका मिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। इसमें एक प्रणाली को किसी को भी महत्व नहीं दिया जाएगा। आपसे कोई पूछे कि कौन सी प्रणाली से सीख रहे हैं तो आप कह देंगे कि हम सबसे छोटी और सरल बनानी प्रणाली सीख रहे हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक। तो ऐसे सोच सकते हैं भाई, आपने काफ़ी समय पहले कुछ सोचा तब दिमाग और प्रकार से था, अब बदलाव आया तो बदलाव करते चले जाओ, तो इसी प्रकार से बदलाव करते चले जाते हैं। जैसे क्या है, मैं आपको बता दूं, इन लिपियों से मैंने भी, इन प्रणालियों से भी मैंने भी स्पीड बनाई थी तो काफ़ी समय लग चुका था। फिर क्या है, जब मुझको ये पता लगा कि कोई भी विभाग है या कोई आयोग है शॉर्ट हैंड का टेस्ट लेता है तो वहाँ ये नहीं पूछता कोई भी कि कौन सी प्रणाली से आप सीख क्या है, वहाँ तो क्या है, उन्होंने डिक्टेशन बोली, आपने लिख दी, उसका ट्रांसलेट कर दिया, वो मैन रहता है, वहाँ प्रणाली का कोई औचित्य नहीं रहता। जब मुझको ये पता लगा तो जो बड़े बड़े नियम थे वो मैंने समाप्त कर दिए, कुछ इन प्रणालियों को रखा, कुछ अपना जो दिमाग में आया वो रखा, और उन नियमों का इतना फायदा मिला कि बच्चा एक तो बहुत जल्दी शॉर्ट हैंड सीख जाता है और मिस्टर का जो ग्राफ है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी आपको सीखने में आ जाती है, ठीक है। जैसे क्या है, अब ये मैं बता दूं तो आपको पता लग गया, मैं यहाँ पर सभी को जो सिखाऊंगा सबका मिक्स करके ही सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, इन प्रणालियों में इस वाक्य को बड़ा बड़ा लिखते हैं, मैं आपको छोटा करके बताता हूँ। जैसे इसका स्तर गिरता जा रहा है, अब ये एक वाक्य है तो काफी समय लगाते हैं, या ये आ रहा है इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है तो काफी समय लगता है। मैं आपको छोटा सा बना के दिखाता हूँ, जो बच्चे पहले से ही शॉर्ट हैंड करते हैं उनको दिख जाएगा कि कितना छोटा हो जाता है कुछ नियमों से जो मैंने बना रखे हैं, ठीक। बाकी तो फर्स्ट आज समझा ही रहा हूँ, इसके आगे फर्स्ट क्लास देनी स्टार्ट कर देंगे, शुरुआत से ही आज से ही क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है।
तो इसका स्तर गिरता जा रहा है। ये हो गया पूरा वाक्य, ये मैंने अपने नियम बना रखे हैं। और ये भी नहीं कही ये कैसे बना, ये आपको समझ में आ जाएगी जब शुरुआत से पढ़ेंगे तो ये कैसे बन गया। ठीक, अब वही आ रहा है, इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, समझ गए। तो ऐसे करके तो आज मैंने ये शॉर्ट हैंड क्या है, इससे कौन सी पोस्ट मिल जाएगी वो बताया है, और प्रणालियों का आपको ज्ञान दिया है। कल से आपकी व्यंजन वाली शुरुआत से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ गए सभी। तो कल से कॉपी पेंसिल सभी लेके आएंगे और कल से आप लोगों के व्यंजन कराने स्टार्ट करा दिए जाएंगे, ठीक है, नियम से।